Subscribe and click the bell icon. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear audience, इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं असदुल्ला खान बाप टीवी पर। उम्मीद है कि गुज़िश्ता दो असबाक या अबवाब आप लोगों को खूब याद होंगे और हम अपनी दिलचस्पी का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने बात की थी सबसे पहले सबक की, सबसे पहले अमल की, सबसे पहली मश्क की, कि बुनियादी तौर पर हम जब माशरे में निकलते हैं, एक से दूसरे को मिलते हैं, तो अपना तारुफ इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम करवाते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे ज़ाती तारुफ को, ज़ाती तारीफ को, तारीफ लफ्ज़ डेफिनेशन, या फिर जब शख्सी तौर पर बात की जाएगी तो इंट्रोडक्शन, तो हम इसको कहेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन। ऐड कर लीजिए, याद कर लीजिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन। इनफरादी तौर पे हर आदमी ज़िंदा है, माशरत में इज्तमाही तौर पे जब वो इंट्रैक्ट करता है, क्या करता है, इख्तलात करता है, इंट्रैक्ट करता है, कनेक्ट करता है दूसरे लोगों से, कम्युनिकेट करता है। आज के एपिसोड में ये बयान कर दिया जाएगा कि ज़ुबान कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, एक मीडियम है। कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? बलागत, किसी चीज़ का पहुंचा देना। जी हाँ, अपनी सोच का, अपने नज़रियात का, अपने ख्यालात का हम किस तरह दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, बोल करके, ज़ुबान के ज़रिए। कम्युनिकेशन एक ऐसा लफ्ज़ है आप लोग सुनते चले आ रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, एंड आप बहुत ज़्यादा मास कम्युनिकेशन, आप ये लफ्ज़ बार बार सुनते हैं। लेकिन आज हम इस बात को समझ लेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। याद रहे कि अक्सर कनेक्शन को कम्युनिकेशन के साथ मिक्सअप कर दिया जाता है, लेकिन जब आप ज़ुबान सीखने जा रहे हैं, आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, तो याद रहे कि कम्युनिकेशन की जो असल रूह है उसको मद्देनज़र रखिएगा। और वो क्या है? वो है अंडरस्टैंड। आप अपने सेल फ़ोन से आप एक शख्स को कॉल मिलाते हैं, वो कॉल अटेंड करता है और टाइमर चल निकलता है, कॉल चल रही है, एक सेकेंड, दो सेकेंड, तीन सेकेंड, चार सेकेंड, आप बात कर रहे हैं, आप कहते हैं अंडे, उसे सुनाई देता है गंडे, आप कहते हैं गंडे, उसे सुनाई देता है डंडे। तो क्या इट इज़ अ सिंपल कनेक्शन। जी हाँ, दोनों सेल फोन, दोनों लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, नेटवर्क कनेक्ट है, फ़ोन कनेक्ट है, कॉल मिली हुई है, कॉल भी कनेक्ट है, लेकिन याद रहे कम्युनिकेशन इज नॉट देयर। व्हाई? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज नॉट देयर। तो समझ लीजिए, जब तक आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर नहीं रहे, करवा नहीं रहे, तो बोलने वाले और सुनने वाले, सुनने वाले और बोलने वाले, स्पीकर और लिसनर, लिसनर और स्पीकर में बेसिकली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रही। ये तमहीदी कलमात हैं हमारे आज के सेशन के लिए। आज का सेशन चूँकि होने जा रहा है इंट्रोडक्शन से इनफैक्ट फाउंडेशन की तरफ हम गामजन होंगे। अननोन लोगों से जब आप पहली बार मुलाकात करते हैं तो अपना तआरुफ करवाते हैं, अपने आप से मुतआरफ करवाते हैं। तो योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, हमने इस पर बात की थी कि हम आपसे इस पर एक ड्रिल लेंगे। एक तो हमारे सामने ये बात आई कि हम एक और आपको बुनियादी फाउंडेशन इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं कि एग्जैक्टली आपको बोलना क्या होगा,
ये एक बहुत अजीब सी बात है कि अपने ही बारे में जब किसी को बताने के लिए कहा जाता है कि अपना तारुफ करवाइए, अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, एंड लाइकवाइज ओबियसली हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में नहीं पूछ रहे, कोई पाकिस्तान स्टडीज़ का सवाल नहीं पूछ रहे, कोई सोशल स्टडीज़ का सवाल नहीं पूछ रहे, कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं हम रेज कर रहे। सादा तरीन बात है कि आपकी ज़ात से मतलब, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम पेश आती है कि एक या दो फिक्रे बोलना भी मुहाल लगता है। हमसे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया है कि सर कैसे अपना तारुफ करवाएं। ये सादा सी बात है, अपना तारुफ कैसे करवाया जाए इस पर बात करेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन बेसिकली होगा एक कंपोजिशन। लफ्ज़ है कंपोजिशन, कंपोजिशन से मुराद कंपोज किया गया, बिल्डअप किया गया, मैनेज किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, मेकअप किया गया, फैब्रिकेट किया गया, इंजीनियर किया गया, एंड लाइकवाइज। आपने सुना होगा म्यूज़िक कंपोजिशन, म्यूज़िक कंपोज्ड बाय यानी कि बनाया गया, बनावट। आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन की बनावट पर हम बात करें इससे पहले हम एक कंप्रिहेंसिव कंपोजिशन पर बात करें। कंपोजिशन के तीन फैक्टर्स को मद्देनजर रखिए, कलेक्शन, सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। दोबारा सुन लीजिए, एक अच्छी कंपोजिशन के तीन फैक्टर्स लाजम हैं, कलेक्शन, सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। कलेक्शन यानी कि आपका जखीरा, और ओबियसली व्हेन टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, जखीरा अल्फाज का, आपकी डिक्शन, हमने लफ्ज़ डिक्शन को लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, या वोकैबुलरी जो हम कहते हैं कि हमारे पास अल्फाज का एक जखीरा है, अल्फाज की कलेक्शन, योर वर्ड्स कलेक्शन। वी विल कंसीडर दैट द वेरी फर्स्ट फैक्टर ऑफ एनी कंपोजिशन, कलेक्शन शुड बी देयर, आपके पास अल्फाज का जखीरा होना चाहिए। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थोड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, छोटा जखीरा होना चाहिए, बड़ा जखीरा होना चाहिए, इस बारे में अभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना। कलेक्शन की फर्दर दो कैटेगरीज आप याद रख सकते हैं, एक लिसानी और दूसरी मजमुई। दो चीज़ों को आप याद रखेंगे, दो पॉइंट्स अहम होंगे, पहला होगा आपका लिंग्विस्टिक नॉलेज और दूसरा होगा जनरल नॉलेज। कलेक्शन के बाद द सेकेंड फैक्टर इज सिलेक्शन। जी हाँ, सिलेक्शन से क्या मुराद है, आपके पास बहुत सारे अल्फाज का जखीरा है, आप क्या करेंगे मौका की मुनासबत से और महल की मुनासबत से, यानी कि टाइम एंड स्पेस। ये लफ्ज़ आपने सुना हुआ है, टाइम से मुराद किस वक्त कौन सी बात करनी है, किस लफ्ज़ का इंतखाब करना है, सीनियर के पास आप जब मौजूद हैं तो उस वक्त कौन से अल्फाज आप सिलेक्ट करेंगे, और जब आप अपने साथियों के साथ हैं, अपने हमनवाओं के साथ हैं, कॉलीग्स के साथ हैं, तब आप कौन से अल्फाज उनका इंतखाब करना पसंद करेंगे, और जब आप अपने जूनियर्स के साथ हैं तब आपका अल्फाज का इंतखाब क्या होना चाहिए, इंतखाब, सिलेक्शन। सिलेक्शन के दो पैरामीटर्स आपसे डिस्कस किए हमने, मौका और महल। मौका से मुराद वक्त, वो किस वक्त और किस जगह आप अल्फाज कौन से चूज़ करते हैं। सिलेक्शन के बाद हमारे पास तीसरा अहम फैक्टर जो है वो प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के भी दो पैरामीटर्स याद कर लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए और उनको मलहूज रखना चाहिए। नंबर वन सिनेरियो, यानी कि आप किन चीज़ों का अहाता करेंगे, और उसके बाद ऑडियंस। जी हाँ, कैलिबर ऑफ ऑडियंस, कैपेसिटी ऑफ ऑडियंस, ये आपको मलहूज रखना होगा। आपने अपने कलेक्शन ऑफ वर्ड्स में से सिलेक्शन कर ली, लेकिन याद रहे कि प्रेजेंटेशन के दौरान आपको इस बात का सामना करना पड़ सकता है कि आपका ऑडियंस, आपका सामने, आपको सुनने वाला शायद आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स से मुतमईन नहीं है, वो मुंह से नहीं बताएगा। कम्युनिकेशन के दौरान हमें इस बात का एहसास करना होगा कि हमारी बात पूरी तरह वहाँ तक पहुँच रही है। 11th आवर पर डिसीजन लेते हुए उसको मज़ीद ब्यूटीफाई करना होगा। तो अब इस बात को समझना आसान हो जाता है कि कलेक्शन, सिलेक्शन और प्रेजेंटेशन, इन तीन फैक्टर्स को ब्रुएकार लाते हुए आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तरतीब देना है।
मैं लगे हाथों ये बात आपसे डिस्कस करता चलूं कि हमारे पास कुछ जो क्रिटिक्स हैं तनकीद करने वाले, तो आपको पता है बहुत आप में पाए जाते हैं, उनका ये कहना है कि जी बहुत सारे आप सिखा तो इंग्लिश बोल चाल रहे हैं लेकिन ये है कि आप तो उर्दू बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इंग्लिश तो आप बहुत कम बोलते हैं, इंग्लिश आप बोल ही नहीं रहे, अगर आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो किसी को कैसे समझ आएगी एंड ब्ला 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 ब्ला। जी हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बोलना सबका राइट है, वो अपना सा काम कर रहे हैं, हम अपना सा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं जिनको बेतकान इंग्लिश बोलने से शायद उनको बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारे ऐसे साथी, ये जो हम आपको टाइम देते हैं, इसका मकसद ये है कि वो तमाम हमारे ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स बहुत किसी शार्प क्लासरूम में जब वो शाय फील करते हैं, जब वो इस बारे में झिझक महसूस करते हैं कि वो किसी से क्या गुफ्तगू करें, और जो आजकल मरवजा असातिज़ा दस्तयाब हैं क्लासरूम्स में, और उनके सामने बात करके अपना कहीं मजाक ना बना बैठें, तो वो बड़े आराम से हमारी ये सारी गुफ्तगू सुन लेते हैं। हम ये जानते हैं कि बहुत सारे दोस्तों के ये काम जस्ता जस्ता चीज़ें आती रहती हैं। सो इंशाल्लाह ताला बिगनर लेवल से एडवांस्ड लेवल तक हम सफ़र तय करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा सब्र आजमा है। इल्म के बारे में आइमा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इल्म तालीम खुराक की मानिंद है, उतनी ही दी जाए जितनी हजम हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको पेशेंस के साथ थोड़ी थोड़ी खुराक मुहैया करते रहेंगे जो आपके लिए एक्सेप्टेबल हो, सूटेबल हो और प्रॉफिटेबल हो। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट एपिसोड तक फी अमानिल्लाह। Subscribe and click the bell icon. Thank you.